नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक ज्योतिष ज्ञान के नाम से एक वीडियो सीरीज बनाई है, जिसके अंदर वीडियो एस्ट्रोलॉजी की हम शुरू से लेकर और आखिर तक डालेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक डालेंगे। और अगर आप उन वीडियोज को, इन पार्ट्स को सबको देख लेते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप एक अच्छे ज्योतिष बन सकेंगे। आज पिछली वीडियो में हमने बताया था कि डिफरेंट लग्नों के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। आज हम शुरू करते हैं दशा के बारे में, क्योंकि दशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और दशा से ही हम लोगों को मालूम चलता है कि कैसे हमारा टाइम जाएगा या कैसे हमारा टाइम अब आने वाला है। उसी के बेसिस पे सारी प्रेडिक्शंस होती हैं, तो दशा बहुत जरूरी है। दशा के बारे में बहुत ही एक कहावत है जिसे कहना चाहिए, या अगर आप बृहत पाराशर होरा शास्त्र पढ़ें तो ऋषि पाराशर से मंत्रेय जी पूछते हैं, मैत्रेय जी, कि ऋषिवर आपने इतनी सारी दशा बताई है। उन्होंने कहा कि योगिनी दशा होती है, चर दशा होती है, विमशोत्री दशा होती है, अलग अलग टाइप की दशाएं उन्होंने बताई कि इस तरह की दशाएं होती, काल चक्र दशा होती है, इस तरह की दशा होती है। तो मैत्रेय जी ने कहा कि ऋषिवर इतनी सारी दशाएं होती हैं, तो कोई एक दशा बताइए जो बहुत यूजफुल हो, जिसकी टेक्निक बहुत यूजफुल हो। तो ऋषि पाराशर ने कहा कि कलयुग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दशा जो है वो विमशोत्री दशा है। यानी कलयुग में जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो विमशोत्री दशा से ही मिलेंगे, और कलयुग के लिए आपको सिर्फ विमशोत्री दशा को ही देखना है। तो हम आज विमशोत्री दशा ही आपको बताएंगे। विमशोत्री दशा के बारे में ही बृहत पाराशर होरा शास्त्र में वर्णन है, बाकी किताबों के अंदर भी विमशोत्री दशा के बारे में ही वर्णन है, तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो विमशोत्री दशा होती क्या है? होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब जातक पैदा होता है, तो उसका ये देखते हैं कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, उसका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में, उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है उसकी दशा होती है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब जातक पैदा हुआ उस समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, और जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उस वो जातक की, उसका स्वामी जातक की दशा स्वामी कहलाएगा। जैसे मान लिया किसी बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के समय उसका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, तो उसका स्वामी हुआ केतु, तो पहली दशा उसको केतु की मिलेगी। अगर बच्चे का जन्म हुआ और उसका चंद्रमा पूर्व फागुनी नक्षत्र में है, तो उसका स्वामी हुआ शुक्र, यानी बच्चे को दशा शुक्र की मिलेगी। तो इस तरीके से दशाएं चलती हैं। दशा डिपेंड करती है कि आपका जन्म के समय नक्षत्र कौन सा नक्षत्र था, चंद्रमा किस नक्षत्र में था, और उस नक्षत्र का स्वामी कौन था, उसकी दशा आपको मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदू ज्योतिष में, या जो वैदिक ज्योतिष हमारी है, उसमें चंद्रमा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी को जन्म राशि कहते हैं, और इसी प्रकार चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी को, व्यक्ति को जन्म नक्षत्र कहा जाता है। कोई आदमी पूछे हमारा जन्म नक्षत्र क्या है, तो कुंडली खोल लीजिए और कुंडली खोल के देखिए कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है, तो वही आपका जन्म नक्षत्र। हर नक्षत्र के चार चरण होते हैं। नक्षत्र जो होता है, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और हर नक्षत्र के चार चरण। देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, ये पीछे की वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। एक राशि 30 डिग्री की होती है और 30 डिग्री की राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी एक नक्षत्र की वैल्यू बनती है 13 डिग्री 20 मिनट। और एक नक्षत्र में चार चरण होते हैं, तो एक चरण की वैल्यू बनती है 3 डिग्री 20 मिनट। 3 डिग्री 20 मिनट को 4 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो वो 13 डिग्री 20 मिनट ही आ जाएगा। तो कुल मिला के 27 नक्षत्र होते हैं और चार चरण, तो 27 × 4 करते हैं तो 108 आता है, यानी 108 टोटल चरण होते हैं। और इसीलिए जो हमारी माला होती है, 108 की संख्या जो होती है, वो जप के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। 108 मन के उसमें होते हैं, वो जप के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र की वैल्यू 13 डिग्री 20 मिनट होती है, और एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं और एक चरण की वैल्यू 3 डिग्री 20 मिनट होती है। 27 नक्षत्र हो गए, चार चरण हो गए, टोटल
मिला के 108 चरण हो गए, 108 चरण हमारे टोटल इसके अंदर बन जाते हैं। इसके बाद दशा के प्रकार हमारे हैं कि दशा हमारी कौन कौन सी होती है। एक होती है महादशा, यानी जो लंबे पीरियड के लिए होती है, वो लंबे समय के लिए होती है। महादशा के अंदर आती है अंतरदशा, ये थोड़ा कम समय के लिए होती है, साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंड करता है किसी ग्रह की महादशा के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी जो होती है दशा, वो होती है महादशा। उसके बाद आती है अंतरदशा, फिर आती है प्रत्यंतर दशा, उससे भी कम होती है। फिर आती है सूक्ष्म दशा, जो उससे भी कम होती है। फिर आती है प्राण दशा, जो कुछ घंटों की होती है, वो उससे भी कम होती है। तो दशाओं के प्रकार है, तो दशा के प्रकार जो हमने दिए हैं, 5 प्रकार दिए हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। महादशा कैसे हम निकालें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि महादशा को हम कैसे निकालते हैं। तो जो विंशोत्तरी दशा है, उसके अनुसार आदमी की जो उम्र मानी गई है, जातक की जो उम्र मानी गई है, वो 120 वर्ष की उम्र मानी गई। और 120 साल में वो कहते हैं कि सभी ग्रहों की दशा हो जानी चाहिए, सभी ग्रहों की दशा 120 साल में हो जानी चाहिए। तो केतु की दशा भी हो जानी चाहिए, शुक्र की भी होनी चाहिए, सूर्य की भी होनी चाहिए, चंद्रमा की भी होनी चाहिए, मंगल की भी होनी चाहिए। यानी सारे ग्रह अगर आप कवर करें, जैसे पीछे वाली स्लाइड आपको मैंने दिखाई थी, जिसमें नक्षत्र के साथ ग्रहों की दशा का वर्णन किया गया था, तो इसमें अगर आप देखें तो ये सब टोटल करेंगे। अगर आप इस चीज को, जितने भी स्वामी हैं, ये मैं यहाँ से इसको फोटो को आपको हटा देता हूँ ताकि ध्यान रहे। केतु की दशा 7 वर्ष पर, शुक्र की दशा 20 वर्ष, सूर्य की दशा 6 वर्ष, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18 वर्ष, बृहस्पति की 16 वर्ष, शनि की 19 वर्ष और बुध की 17 वर्ष की दशा होती है। ये महादशा होती है, ये सारी महादशाएं। तो कुल मिला के ये जो महादशा होती है, ये टोटल 120 वर्ष की होती है। तो आदमी की उम्र 120 वर्ष की मानी गई है, इसलिए कहा गया है कि 120 वर्ष की महादशा में सभी महादशाएं पूर्ण हो जानी चाहिए। और हर महादशा में अंतरदशा आती है, हर अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा आती है, हर प्रत्यंतर दशा में सूक्ष्म दशा आती है और हर सूक्ष्म दशा में प्राण दशा आती है। इसके बाद महादशा का हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से महादशा का समय निर्धारित है, सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, राहु का, गुरु का, शनि का, बुध का, केतु का, शुक्र का, उनके आगे जो लिखे हुए साल आप देख रहे हैं, वो उतने साल की महादशा होती है और टोटल महादशा कुल मिला के 120 वर्ष की हो जाती है। अब ये 120 वर्ष की जो महादशा है, ये टोटल महादशा है, ये महादशा निकालते कैसे हैं, किसकी महादशा है, ये कैसे जाने, ये कैसे निकालें कुंडली से? कुंडली तो हमारे पास है, लेकिन कुंडली से हम ये कैसे मालूम चलें कि किसकी महादशा हमको मिली? तो सबसे पहले आपको चंद्रमा का नक्षत्र देखना है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी की दशा आपको मिली। तो ये तो मिल गया आपको कि शुक्र की दशा आपको मिली या शनि की दशा आपको मिली या सूर्य की दशा आपको मिली, वो तो आपने क्लियर कर लिया। लेकिन कितनी दशा मिली, ये निकालना जरूरी है कि 10 साल की मिली, 20 साल की तो टोटल दशा होती है शुक्र की, तो क्या 20 साल में 20 साल की मिली या 20 साल में 10 साल की मिली या 10 साल में 20 साल में 8 साल की मिली, ये भी हमको निकालना होता है। तो वो कैसे निकाल, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें चंद्र का लॉन्गिट्यूड देखना पड़ता है कि चंद्र का भुवांश कितना है। मान लीजिए कोई कुंडली है, उसमें चंद्र स्पष्ट जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4 sin 5 17 degree 32 minute। 4 sin 5 का मतलब हुआ पांचवी राशि में, यानी सिंह राशि में 17 degree 32 minute का चंद्रमा है। तो 4 sin 5, एक साइन कितनी, एक राशि कितनी डिग्री के बराबर होती है, 30 degree के बराबर। तो 4 into 30 + 17 degree करेंगे + 32 minute, तो 4 into 30 हो गया 120 degree + 17 degree, ये हमारा हो गया 137 डिग्री। और 137 डिग्री को भी हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 into 60, 17 into 60 + 32 मिनट। 32 तो ऑलरेडी मिनट में है, तो 32 मिनट आपको ऐसे ही लेने हैं। अब ये तो हमने देख लिया, इसको टोटल डिवाइड करना है आपको 13 by 13 degree 20 मिनट से, 13 degree 20 मिनट से आपको इसको टोटल डिवाइड करना है। यानी 13 degree 20 मिनट का भी आप मिनट बना लीजिए, तो 13 degree 20 मिनट को भी अगर आप मिनट बनाओगे, तो 13 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले आपको, 780 और 20 800, 800 मिनट हो गया।
क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 13 डिग्री को हमने मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 13 डिग्री 20 मिनट को भी हमको मिनट में ही चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने ऊपर न्यूमरेटर के अंदर भी मिनट में ही चेंज किया है। तो 800 मिनट हो गए, यानी कि 10.31 वैल्यू आ जाती है। 10.31 का मतलब है 11वां नक्षत्र चल रहा है, 11वां नक्षत्र चल रहा है, 10 नक्षत्र पूरे हो चुके हैं, 11वां नक्षत्र चल रहा है, यानी 11वां नक्षत्र होता है पूर्व फागुनी। अगर आप पीछे टेबल देखें, जो टेबल मैंने आपको पीछे स्लाइड में दिखाई है, उसमें 11वां नक्षत्र जो होता है वो पूर्व फागुनी होता है। तो पूर्व फागुनी नक्षत्र हुआ, इसका मतलब पूर्व फागुनी नक्षत्र का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। तो शुक्र ने कहा 20 साल की दशा, शुक्र की दशा, लेकिन 20 साल की दशा पूरी तो है नहीं, तो कितनी है ये देखना भी जरूरी है। तो आपको ये देखना है कि 10 नक्षत्र तो पूरे हो चुके हैं, 11वां नक्षत्र चल रहा है, उसमें से 0.31 पूरा हो चुका है, 0.69 बचा है खाली। 0.31 में अगर 0.69 जोड़े तो 1 हो जाएगा, तो 11 नक्षत्र पूरे हो जाएंगे, लेकिन 10 नक्षत्र पूरे हो चुके हैं, 11वें का भी 0.31 पार्ट हो चुका है और 0.69 पार्ट बचा है। तो 0.69 से आप 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितनी दशा आपकी बाकी रहेगी, क्योंकि 0.69 आपका बचा है, तो 0.69 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 12 साल या 13 साल की दशा और अभी निकालनी है, ये आपको मिल जाता है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रह की महादशा कैसे निकालें, तो उसको वही निकालना है कि चंद्र का लॉन्गिट्यूड देखिए, चंद्र का स्पष्ट देखिए, उसको एक नक्षत्र की वैल्यू से डिवाइड कीजिए, सबको मिनट में चेंज कर लीजिए, चंद्र की डिग्री और एड्रेस जो भी चंद्र का है, लॉन्गिट्यूड है, उसको मिनट में चेंज कर लीजिए, 13 डिग्री 20 मिनट को मिनट में चेंज कर लीजिए, 1 डिग्री में 30, 1 साइन में 30 डिग्री होते हैं और 1 डिग्री में 30 मिनट 60 मिनट होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको निकाल देना है कि कैसे यह आ गया। तो यह आपका जैसे 10.31 नक्षत्र आया, तो हमने कहा 11वां नक्षत्र 10 पूरे हो चुके हैं, 0.31 11वें का पूरा हो चुका है, तो 0.31 11वें का पूरा हो चुका है, कितना बचा 11वें का? 0.69 बचा, तो 0.69 बचा, तो 0.69 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि हमारी कितनी दशा बची है, ये हमारा इससे आ जाएगा। ये नक्षत्रों के नाम है, जैसे पीछे आपको लिस्ट दी है, पूर्व फागुनी नक्षत्र आया था इस कुंडली में 11वां नक्षत्र, तो पूर्व फागुनी का स्वामी होता है शुक्र, जिसकी दशा 20 साल की है। अब जैसे इसी कुंडली के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के लिए कुंडली में लेते हैं कि चंद्रमा हमारा, चंद्रमा अगर आप देखें, चंद्रमा की जो हमारी वैल्यू है ये है 9 साइन पास 20 डिग्री 17 मिनट, यानी 9 राशि पूरी हो चुकी है, 20 डिग्री 17 मिनट इसकी वैल्यू है। तो 9 डिग्री 9 साइन पास हो गए तो कितनी डिग्री हो गई? 1 साइन में 30 डिग्री होती है, तो 270 डिग्री हो गई, 20 डिग्री ये हो गया तो 290 डिग्री हो गई, तो टोटल 290 डिग्री का ये हो गया। 290 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में आ जाएगी वैल्यू, इसको 13 डिग्री 20 मिनट यानी 800 मिनट से डिवाइड करेंगे एक नक्षत्र से, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा कि कौन सा नक्षत्र चल रहा है। तो मान लिया कि श्रवण नक्षत्र चल रहा है, ये श्रवण नक्षत्र चल रहा है और श्रवण का चौथा चरण चल रहा है, तो चौथा चरण जितना चल चुका है, अगर चौथे चरण के अंदर 0.5 चल चुका है तो 0.5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप चंद्रमा की दशा से, अगर 0.4 चल चुका है तो 0.6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप चंद्रमा की दशा से। इस तरीके से चंद्रमा की दशा से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपकी दशा कितनी बाकी है वो आपकी निकल जाएगी। तो बहुत सिंपल है दशा निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन स्लाइड्स में मैंने फॉर्मूला दे दिया है, ये स्लाइड्स आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपली क्लियर हो जाएगा कि कैसे दशा निकालनी है। कोई दशा निकालने में दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट्स करके आप पूछ लीजिएगा, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा इस चीज का। और इसके अलावा एक जरूरी सूचना है कि हम लोग रेमेडीज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, कि क्या कुंडली की प्रेडिक्शन करते हैं, उसके उपाय जो देखते हैं उसकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लस एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस की। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, जय श्री।